फ्रेंड चावला स्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करें विकास टाइप के शेयर के बारे में, लाइफ चेंजिंग वीडियो। दोस्तों नोमुरा सिंगापुरी ने स्टॉक क्यों बेचा, कब बेचा, क्यों बेचा की पूरी सच्चाई, आखिरकार बेचा है नहीं बेचा है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास में विकास टाइप का एक भी यूनिट है ना, तो भैया ये है लाइफ चेंजिंग वीडियो, नोमुरा की सच्चाई सामने आएगी। तो डायरेक्ट वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों ये लाइफ चेंजिंग वीडियो है, आपको पता है 9 से 10 बजे के बीच में अपने चावला स्टॉक मार्केट पर लाइफ चेंजिंग वीडियो आता है। इसमें हम ऑल स्टॉक की वर्ल्ड की बात करते हैं, बट आज है नोमुरा सिंगापुरी की बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, कब अपर से के लेगा क्या इस पर बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि लाइफ चेंजिंग वीडियो में इस पर बात होती नहीं है। देखो दोस्तों शेयर की थोड़ी सी डिटेल लेंगे, 5 सेकंड की, 4.80 रुपये जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उस पर आज ये शेयर है। अगर कल इसमें अपर सर्किट नहीं लगा तो 4.50 रुपये का स्ट्रॉन्ग है और 4.30 रुपये का सपोर्ट है, फिर ये दो सपोर्ट निकल के आते हैं दोस्तों, तो कल इसको अपर सर्किट लगना ही होगा। ये तो हो गई नॉर्मल से नॉर्मल डिटेल बात। अब सभी लोग कमेंट करें कि भाई नोमुरा सिंगापुर है जो माल बेच के भाग गया, आज है कम से कम मेरे पास में है 50-60 कमेंट आ गए, इंस्टाग्राम पर भी आ गए, यूट्यूब पर भी आ गई है। आखिरकार क्या सच्चाई है नोमुरा की कि पूरा माल बेच के नोमुरा सिंगापुर भाग गया है और अभी स्टॉक को कुछ नहीं होना है, ऐसे कमेंट आ रहे हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, देखो आज 3R इंपोर्टेड का Q2 का रिजल्ट आया था वो देख लेना, ग्लोबी टेक्सटाइल का वीडियो आ गया वो देख लेना, अविष्का लाइफ केयर का आ गया था और विकास टाइप केयर का ये वीडियो देख लेना, MPS का देख लेना और प्राइमेक्स ग्लोबल वेंचर का देख लेना। दूसरा अपने चावला पेनी स्टॉक है ना, उसमें आज जो यस बैंक का वीडियो पोस्ट किया था वो देख लेना, MPS का 8 बजे कौन सी घबराई ये देख लेना, दो वीडियो है जो अपना चावला पेनी स्टॉक है उस पर है जो पोस्ट हो गया है, तो ये वीडियो देख लेना। अब चलते हैं अपने लाइफ चेंजिंग टॉपिक पर। देखो दोस्तों बात रही नोमुरा सिंगापुरी की, आज यही टॉपिक क्लियर होने वाला है। अब देखो दोस्तों वह क्या है इस स्टॉक में, मैं आपको बता देता हूँ कि नोमुरा सिंगापुर एक FOL है, ठीक है, हम ऐसे मान लेते हैं एकदम नॉर्मल से नॉर्मल डिटेल में। अब नोमुरा कंपनी को क्या है कि पैसों की जरूरत थी, फंड रेस की थी 200 करोड़ की, तो 200 करोड़ रुपए लिया था कंपनी ने अलग अलग फर्म से, नोमुरा सिंगापुर से अकेले से नहीं लिया था ना, ना अलग अलग फर्म से लिया था। 50 करोड़ किससे लिया था, 50 करोड़ किससे, 50 करोड़ किससे, 150 करोड़, 50 करोड़ की QIP बाकी है, ठीक है। तो उन 50 करोड़ में से भी 50 करोड़ की QIP उनमें से 3 बंदों के पास से 50 करोड़ लिया था, तो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो नोमुरा सिंगापुर से भी जो है पैसे लिए थे और बदले में अपना स्टॉक दिया था नोमुरा सिंगापुर को, ध्यान रखना। और इस वजह से Q1 में शेयर है प्लीज हो गया, क्योंकि पूरा माल है पब्लिक के पास में, प्रमोटर के पास में माल है नहीं, तो प्रमोटर क्या देते, तो जो प्रमोटर के पास में माल था वो बेच नहीं सकते, क्योंकि फिर तो कंपनी का पूरा राइट्स भी चला जाएगा ना, नाम मात्र की हिस्सेदारी, अगर उनमें से वो कम कर देंगे तो कंपनी पूरी पब्लिक है, जो पब्लिक का कोई बड़ा हस्ती है वो मेन हो जाएगा। ज़्यादातर समथिंग क्या होता है, 50% से ऊपर हो तभी पूरे कंपनी के राइट्स होते हैं उनके पास में, बोर्ड मीटिंग में वगैरह, वो अपन को छोड़ना है, किसी टॉपिक में और बात करेंगे वीडियो में। बट कंपनी के पास में 12-13-15% की हिस्सेदारी है, अगर वो भी बेच देंगे तो फिर कंपनी के विकास ग्रह के जो प्रमोटर है उनके पास में क्या बचेगा, और उतना भी नहीं होगा। तो उन्होंने क्या हिस्सेदारी तो बेची नहीं, अपने जो शेयर थे वो बॉन्ड बना के उनके पास में गिरवी रख दिए, भाई कुछ पल के लिए मेरे शेयर ले लो, बाकी के हमें पैसे दे दो, और हम है जो शेयर जब पैसे दे देंगे शेयर छुटा लेंगे, तो उनके सामने प्लीज रख दिया नोमुरा सिंगापुर और के पास में। तो ये हो गई Q1 रिजल्ट के पहले की बातें, क्वार्टर रिजल्ट तक। फिर अपन को देखने को मिला प्लीज हो गया, क्योंकि प्लीज तो होना ही था भाई, शेयर गिरवी रखे थे, पैसे लिए थे। अब फिर आया फिर Q1 के बाद में कंपनी का काम जोरों शोरों से चला, क्योंकि जितना Q2 में प्रॉफिट हुआ उससे ज़्यादा तो कंपनी ने टैक्स चुका दिया, तो भाई काम अच्छा चला है तभी तो इतना टैक्स दिया ना। तो फिर कंपनी के पास में पैसे आ गए, दो दो कंपनियों का अक्वायर कर लिया, उनका भी बिजनेस चला, अडानी की तरफ से भी ऑर्डर मिला, तो उनमें भी पैसे आए कंपनी के पास में, अच्छी खासी पैसा आ गया बोरी भर भर के। तो उन्होंने क्या किया, Q2 का रिजल्ट आया उससे पहले नोमुरा सिंगापुर को जो पैसे लिए थे वो पैसे दे दिए, और उनके जो शेयर थे प्लीज वो ले लिए, भाई मैं हमारे प्लीज है क्लियर कर दो प्लीज, और पैसे उनके दे दिए। तो Q2 का शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज हुआ, तो उसमें अपन को देखा कि पूरा प्लीज है क्लियर कर दिया है, जो गिरवी से था क्लियर कर दिया। अब ये आपने देख लिया क्लियर कर दिया, बट हुआ कहाँ से था भाई, नोमुरा सिंगापुर के पास में भी तो गिरवी था, तो इसके पास में भाई इनको पैसे दे दिए, तो इन्होंने शेयर वापिस दे दिए, तो भैया इसकी होल्डिंग हो गई जीरो, भाई नोमुरा में सिंगापुर ने बेच दिया माल, बस ये हुआ है। और मार्केट में यहाँ पर इसके पास में 4% की हिस्सेदारी थी, तो
क्योंकि क्वार्टर वन में ही तो हुआ था ना, देखो जून क्वार्टर में उन्होंने खरीदा था क्योंकि पैसे लिए थे, फिर क्वार्टर टू रिजल्ट आया तो उन्होंने कंपनी ने वापस इसको पैसे दे दिए और बदले में वापस शेयर ले लिया, तो यहाँ से इसकी शेयर होगी जीरो। तो ये काम हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि भैया नोमुरा सिंगापुर ये माल बेच के भाग गया तो कंपनी दो रुपए पर जाने वाली है, ना ना दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। और देखो दूसरी बात, नोमुरा सिंगापुर क्या, फिर देखो ये दूसरा भी तो प्राणी आया ना अभी क्वार्टर टू में, देख लो यहाँ पर ये देखो दूसरा प्राणी है 1.76 की सीधा लिए, वो कल की वीडियो में हम बात कर लेंगे। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों, देखो मार्केट में कौन सा पेनी स्टॉक चल रहा है, कोई पेनी स्टॉक नहीं चल रहा है इस टाइम पर, बात को समझने की कोशिश करो। इस वजह से विकास लाइफ केयर भी नहीं चलेगा, लेकिन जो गिरावट हो रही है ना आपके फायदे के लिए हो रही है भाई, नीचे से दबा के माल उठा सकते हो भाई, मेरे पास में भी तो है, मैं भी तो धक्का मुक्की नहीं करा, मैं भी चुपचाप बैठा हूँ, मेरे पास में भी 4 रुपए में दबा के माल है, 4 रुपए 5 पैसे में, 4 रुपए 10 पैसे में दबा के माल है। कमेंट करोगे तो कल की वीडियो में भाई दिखा दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में भाई मेरे पास में कितना स्टॉक है दबा के, तो हर गिरावट भी धीरे धीरे खरीद सकते हो ना भाई, अच्छा मौका ये है, तो अच्छा मौका ये, धीरे धीरे आप एवरेज करने का आपको मौका मिल रहा है धीरे धीरे बाय करने का, तो टाइटली होल्ड कर लो, माला मार रिटर्न देने वाला स्टॉक है, आगे आपकी मर्जी है दोस्तों। आई होप सारी बात समझ गए होंगे दोस्तों, थैंक यू।